हाय माय फूडी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छा अच्छा कुछ कुछ खा रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमरूद की चटनी, गुआवा चटनी, जिसे कुछ भी बोल लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि आगे आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपीज आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गुआवा की चटनी, जो कि बहुत ही आसान सी होती है। तो आप भी अपने घर में बनाइए और फिर मुझे कॉमेंट करके बताइए कैसी लगी। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है गुआवा। तो आपको इस चटनी के लिए स्पेशली जो कच्चे थोड़े से हरे हरे जो अमरूद रहते हैं वही लेना है, क्योंकि जो पीले वाले अमरूद रहते हैं या फिर जो पका हुआ अमरूद रहता है उसकी चटनी उतनी अच्छी नहीं बनती। तो बस यही ध्यान रखना है कि आपको हरा अमरूद लेना है। और इसको दोनों तरफ से अच्छे से ये जो पार्ट होता है इसे कट कर लीजिए। और यहाँ पर हमें इसे छीलना नहीं है, आप इसे इसी तरीके से कट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अमरूद को इस तरीके से कट कर रही हूँ। आप अमरूद को क्या बोलते हैं? जामफल बोलते हैं, अमरूद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या कुछ और भी बोलते हैं तो मुझे एक बार कमेंट करके बताएगा। तो इस तरीके से अमरूद को कट कर लेना है और इसके जो बीज हैं उसे निकाल देना है, क्योंकि ये चटनी के स्वाद को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं और बीज खाना अच्छा भी नहीं होता। तो इसके बीज को सारे निकाल दीजिए और इसको पीसेज में कट कर लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने सारे बीज निकाल के अलग कर दिए हैं इस तरीके से, देखिए, और कट कर लिया है गुआवा को छोटे छोटे पार्ट्स में। एंड एक मिक्सी का जार लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ धनिया, कट किया हुआ गुआवा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च आप जितना तीखा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग डालिए। इसके बाद अदरक, नींबू का रस, एक मैंने नींबू का रस डाला हुआ है इसमें। और इसके बाद बेसिक से मसाले, क्योंकि हमको चटनी का स्वाद नहीं घटाना है मसाले डाल करके। तो यहाँ पे बेसिक से कुछ मसाले, जीरा, नमक, काला नमक, थोड़ी सी हींग, हींग जरूर डालना है। एंड ये सारे मसाले डाल करके मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके ग्राइंड कर लूँगी। तो इस तरीके से देखिए कितनी खूबसूरत सी चटनी यहाँ पर बन करके रेडी है। आप भी बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि आपको ये चटनी कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।